सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई वीडियो में। तो बहनों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में जब हम AWC फ़ोटो कैप्चर करने जाते हैं तो हमारा जो फ़ोटो कैप्चर है वो नहीं होता है और इस प्रकार की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर लिखा गया है GPS की आवश्यकता है, तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत सी आंगनबाड़ी सेविका बहनों के साथ हो रही है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, आइए आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। देखिए, GPS की आवश्यकता है, ये प्रॉब्लम क्यों लिखती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो डेली बेसिस पे हम लोग फ़ोटो अपलोड करते हैं इसको तो अनिवार्य कर ही दिया गया है, लेकिन जहाँ से आप फ़ोटो अपलोड करती हैं उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन कैप्चर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो GPS की प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको कुछ सेटिंग करने होते हैं जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगी। चलिए हम यहाँ से इसको बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आपको कुछ सेटिंग करनी है, वो सेटिंग क्या है आपको यहाँ पे देखनी है। तो बैक होने के बाद आपको क्या करना है कि आपके फ़ोन में जो पोषण ट्रैकर ऐप इंस्टॉल है उस पर आप लोगों को 2 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ऐप इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर से सेकेंड नंबर वाला जो ऑप्शन है परमिशन, तो यहाँ पे जो आप लोगों का लोकेशन वाला ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों का यहाँ पे नॉट अलाउड में चला जाता है, जिसके वजह से आप लोगों का जो फ़ोटो कैप्चर है वो नहीं हो पाता है और आप लोगों को GPS की रिक्वायर्ड वहाँ पर देखने को मिल जाती है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कैमरा वाला ऑप्शन है इसको भी आपको अलाउ कर देना है और यहाँ पे जो लोकेशन वाला ऑप्शन है इसको भी अलाउ कर देना है। इसको अलाउ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिमूव परमिशन एंड फ्री ऑफ स्पेस पे क्लिक करना है और फिर इसको ऑन कर देना है। ठीक है, इतना सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो पोषण ट्रैकर ऐप है इसको एक बार जो है क्लियर डाटा और क्लियर कैचे कर देना है, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स हो जाए। चलिए हम इसको क्लियर कैचे और क्लियर डाटा कर देते हैं। इतना सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन कर लेना है। फिर से यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे चूज लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग अपने लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर और एमपिन डाल के लॉगिन कर लेंगे। हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर और एमपिन डाल लिया है, यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आसानी से यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे डेली ट्रैकिंग में और यहाँ पर हम लोग AWC फ़ोटो कैप्चर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को समस्या आ रही थी कि AWC फ़ोटो कैप्चर नहीं हो रहा है और आप लोगों का जो GPS रिक्वायर्ड की प्रॉब्लम है वो दोनों यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पे AWC फ़ोटो पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम लोग कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अलाउ दिस ऐप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा यहाँ पर खुल जाएगा, आप यहाँ से फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे, देख सकते हैं ओके करने के बाद हमारा जो पोषण ट्रैकर ऐप है यहाँ से बैक हो जा रहा है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, ऐसा कभी कभी होता है आप लोगों को। फिर दोबारा हम पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ डेली ट्रैकिंग पे आएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे AWC फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे परमिशन मांगेगा तो हम लोग वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ से कैमरे का ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम इवेंट जो भी हो उसका फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे। यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ से फ़ोटो कैप्चर करने के बाद देख सकते हैं फ़ोटो कैप्चर हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहले का जो फ़ोटो खींचा गया है वो यहाँ पे हट के दूसरा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आप लोग इसको ओके वाले पे क्लिक करेंगे। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन खुल के आ जाता है। आपका जो पोषण ट्रैकर ऐप है इसको डिवाइस का लोकेशन देने के लिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट टू प्रिसाइज लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे AWC फ़ोटो कैप्चर हो चुका है। अगर आप लोगों को इस प्रकार से प्रॉब्लम हो रही थी GPS रिक्वायर्ड की, तो आप लोग इस प्रकार से आसानी से 2 मिनट में इसको ठीक कर सकते हैं।
अगर आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप पे फोटो कैप्चर करते टाइम बार बार जो है पोषण ट्रैकर ऐप से हट जा रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है कि पोषण ट्रैकर ऐप को ऑन इंस्टॉल कर देना है और फिर से उसको इंस्टॉल करना है, और आप लोग वहाँ पे जाके फोटो कैप्चर करेंगे तो आपका जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।